गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर सुनाई देती है तो कमेंट में लिखिए हाँ। प्रांजलि हेलो, गुड आफ्टरनून। खंडवेश्वर गुड आफ्टरनून। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? डू आई एम विजिबल एंड ऑडिबल? Do I am visible and audible? Okay. सुनील मालगे, खंडेश्वर, रसिका, चलो तो okay दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, दैट इज अबाउट द टू डेज बिफोर जो पेपर हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का मोलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी के लिए, आज उसका हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो ये जो पेपर का एक्सप्लेनेशन है, तो राइट फ्रॉम मी, मेरे साइड से, इसमें थोड़े से चेंजेस भी हो सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उन मतलब चेंजेस को यहाँ पे नोट कर सकते हो। चलिए इसके साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पेपर को हमने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। क्या आपको दिखाई दे रहा है सबको ये क्वेश्चन पेपर स्क्रीन के ऊपर? क्या आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से दिखाई दे रहा है? ऋषिकेश काले, ऋषिकेश क्या आपको पेपर वाले क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? चलिए पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मिसमैच। यहाँ पे मिसमैच आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जाएगा दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर डी। आप साथ ही साथ अगर आपके पास पेपर है तो बना लीजिएगा, राइट एंड रॉन्ग आंसर कौन से साथ ही साथ बना लीजिएगा इसको। सो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो जा रहा है दोस्तों, दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मुझे भी देखने दो मोबाइल के ऊपर कि ये कैसे दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है अच्छा सा। ऑप्शन नंबर डी, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिसीज, इट इज़ एन एयर बॉर्न डिसीज। एयर ड्रॉपलेट के वजह से भी ये हो सकता है, बाकी के सब ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मिसमैच है तो एक ही इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही जवाब आ रहा है दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्क डन बाय द सिस्टम। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज नो ऑपरेटर कैन ऑपरेट इन सच ए वे दैट इट्स ओनली इफेक्ट इज टू कन्वर्ट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम कम्प्लीटली इन टू द। जनरली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अबाउट द एंट्रोपी के बारे में ये बोलता है। सो और दूसरा एक बात भी यहाँ पे हो सकता है कि 100% एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे होता नहीं है, तो कुछ अमाउंट में फ्री फॉर्म में एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है, और ऐसे कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने केमिस्ट्री के सर को पूछ के ही यहाँ पे कन्फर्म किया है, तो आई होप कि करेक्ट हो सकता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड प्योरली फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमनली यूज बायोकेमिकल टेस्ट माइक्रोबायोलॉजी, आइडेंटिफाई द मिसमैच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा मिसमैच होना चाहिए? मैंने तीनों के बारे में मतलब सबके सब बारे में पढ़ा है यहाँ पे, ये तो राइट है, ऑप्शन डी वाला राइट है। रोज इंडोल टेस्ट फॉर द इंडोल प्रोडक्शन के लिए होता है, और सी मागार यूज कर दिया जाता है। मिसमैच हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, मिसमैच फाइंड आउट करना है, ये राइट होता है। फिनॉल रेड टेस्ट एसिड प्रोडक्शन के लिए होगा, फिनॉल रेड मैलेट ब्रॉथ यहाँ पे यूज कर दिया जाता है। आयोडीन रेजन टेस्ट हम सबको पता है कि स्टार्च हाइड्रोलिसिस स्टार्च आगर के लिए यूज कर दिया जाता है, तो मुझे इसके बारे में गारंटी नहीं है कि निजल रेजन टेस्ट जो अमोनिफिकेशन है नाइट्रेट ब्रॉथ, इन थोड़ा सा डाउट आ रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का मेरे तरफ से जो आंसर होगा ठीक है, दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा कंफर्म हूँ, ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, 50% ये आंसर हो रहा है मेरी ओर से।
बाकी के क्वेश्चन में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर हमने दे दिया, क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर चार, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचेस, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचेस, कौन से मैचेस यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए। चार का मेरी तरफ से जो आंसर बन रहा है दैट इज अबाउट ऑप्शन सेकंड एंड फोर, मतलब ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन लोकलाइज, मतलब जहाँ पे वो लोकलाइज होता है उसका केमिकल नेचर जो हमें पता है कि लिपोपॉलीसेक्राइड होता है, और ग्राम निगेटिव स्ट्रेन का बैक्टीरिया जो सेल वॉल होते हैं ना उसमें आपको ये आई एंडोटॉक्सिन देखने को मिलता है। इसके हिसाब से ये ऑप्शन तो सही है, हमें करेक्ट पूछे गए क्वेश्चन के अंदर, ये करेक्ट है। तो चार वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, इसमें चार नहीं है और इसमें भी चार नहीं है, चार वाले दो ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। अब बात करेंगे थर्ड के बारे में, माइकोप्लाज्मा रिप्रोड्यूस बाय, बडिंग से होता नहीं है, फिशन से होता है, बडिंग से होता नहीं है, किससे डिवाइड होता है, फिशन से, इसकी वजह से तीसरा चला गया। तीसरा अगर चला जाए तो ये ऑप्शन भी चला जाए, तो एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीन। सो क्वेश्चन नंबर चार का जो आंसर बन रहा है यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर चार का जो सही आंसर जो बन रहा है दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए, क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए द मेजर रीजन फॉर द एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड, एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड प्रोटीन स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन द पैरेलल बीटा स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। जो एंटी पैरेलल प्रोटीन होते हैं, मान लो कि ये कोई प्रोटीन का स्टैंड है एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल, और दूसरा स्टैंड जो है तो इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दो अलग, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में दो प्रोटीन के स्टैंड है, इनके बीच में कोलिनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कोलिनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंटी पैरेलल के अंदर, कोलिनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो ब्लू कलर से हम शो कर रहे हैं यहाँ पे दैट इज अबाउट द कोलिनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंटी पैरेलल प्रोटीन के अंदर। और पैरेलल जो पेप्टाइड होते हैं ना, पैरेलल पेप्टाइड, अभी मान लीजिएगा कि ये तीसरा पेप्टाइड हम पैरेलल यहाँ पे निकाल देंगे, एक और एक दूसरा प्रोटीन, इसका एन टर्मिनल और इसका एन टर्मिनल, और दोनों के कार्बोक्सिल टर्मिनल एक साइड में, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना तो थोड़ी सी अनस्टेबल होती है यहाँ पे, ऐसे इस टाइप की कोलिनियर नहीं होती है। इसकी वजह से एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट जो होते हैं ना, बीटा स्टैंडर्ड जो प्रोटीन होते हैं, दीज आर द मोर स्टेबल। बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, कोलिनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा कुछ नहीं दिया है, फिर भी यहाँ से अगर आंसर निकालना है तो हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। डू नॉट हैव एनी डाइसल्फर क्रॉस लिंकेज बिटवीन द एडजेसेंट स्टैंड, ये तो गलत हो रहा है। डू नॉट स्टैक इन शीट एज वेल एज एंटी पैरेललेशन, ये भी गलत जा रहा है, ये भी गलत होगा, और मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो जा रहा है दैट इज अबाउट द हैव वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड लैटरल साइड में, लैटरली कौन से बॉन्ड हो गए, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलवेज वीक होते हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ ए नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो वीक होते हैं। तो लैटरल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पे कोलिनियरिटी, यहाँ पे एक कोलिनियर ऐसा लिख देना चाहिए था इन क्वेश्चन बनाने वाले ने, बट ऐसा बना, मतलब लिखा नहीं है, बट मेरे ख्याल से वहां पे कोलिनियरिटी होने की वजह से वो स्टेबल होते हैं, एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स या बीटा स्ट्रैंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स प्योरली केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, या बायोकेमिस्ट्री से भी आप बोल सकते हो। इसका जो आंसर दिया है हमारे केमिस्ट्री के सर ने दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सिक्स अभी तो कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है, हंड्रेड ऑफ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे साइड से कंफर्म नहीं है, ये केमिस्ट्री के सर ने बोल दिया है मुझे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात, अ म्यूटेंट सेल लूजेस पार्ट्स ऑफ द एंड्स ऑफ क्रोमोजोम एवरी टाइम इट रिप्लिकेट इट्स डीएनए, यू सस्पेक्ट दैट इट डिफेक्ट इन द, देखिए किसी भी क्रोमोजोम का एंड पार्ट अगर रिप्लिकेट करना हो तो कौन चाहिए हमें, टिलोमरेज एंजाइम चाहिए। अगर वैसे वहां पे रिप्लिकेशन होता नहीं है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम लॉस हो रहा है वहां पे, तो डिफेक्ट किसका होना चाहिए, टिलोमरेज एंजाइम का डिफेक्ट होता होगा वहां पे, किसका डिफेक्ट होता है, टिलोमरेज एंजाइम का वहां पे डिफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है, टिलोमरेज एंजाइम। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, टिलोमरेज। क्वेश्चन नंबर आठ, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एसडीएस पेज टेक्निक, एसडीएस पेज टेक्निक के लिए कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, ऐसा पूछा रहा है यहाँ पे। पहला ऑप्शन सेपरेशन और रन आउट ऑन द जेल कवर प्लेट, ये सही हो सकता है यहाँ पे, क्वेश्चन का आंसर नहीं है, सही ऑप्शन नहीं है। डोडोसिल सल्फेट यूज टू डीनेचर, प्रोटीन को डीनेचर कराता है,
इट इज अ टाइप ऑफ जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी और द मेथड ऑफ सेपरेशन, ये भी सही है और लास्ट ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर जा रहा है दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, इट इज यूज टू सेपरेट द नेटिव प्रोटीन, इट इज यूज टू सेपरेट द नेटिव प्रोटीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, प्रेजेंस ऑफ डीएनए डिग्रेडिंग एंजाइम इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय। अगर मान लो कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है, एक दूसरा बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए और इस डीएनए को यहाँ से इस तरफ ट्रांसफर करना है, पर ये बोल रहा है कि बाहर के साइड में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए डिग्रेडिंग एंजाइम प्रेजेंट है, तो कौन से प्रोसेस के लिए प्रॉब्लम हो सकती है या दिक्कत हो सकती है जीन ट्रांसफॉर्मेशन का? तो नेचुरल डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि नेचुरल डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि डीएनए पहले बाहर फेंक दिया जाता है, उसके बाद नियर विसिनिटी वाली जो सेल होती है ना उसको अपटेक कर लेती है, उस डीएनए को क्या कर लेती है, वो अपटेक कर लेती है। दैट इज अबाउट द जनरल, मतलब हम नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। बाकी के प्रोसेस में कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन थ्रू मतलब ट्यूब से वहां पे जिनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन में कोई भी एंजाइम हो वहां पे कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि दो सेल्स एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब से जुड़े होते हैं, बट यहाँ पे दिक्कत किसको आ सकती है, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को दिक्कत आ सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो जाएगा दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अबाउट द नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। उसके बाद दोस्तों अगर क्वेश्चन के आंसर आपको समझ रहे होंगे यहाँ पे और वीडियो भी समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 10, एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर जो जा रहा है दैट इज अबाउट द ग्लूटामेट का ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। अगर होता है मतलब अमोनिया अगर रिमूव होता है तो वहाँ पे बनता क्या है, अल्फा केटोग्लुटारिक एसिड बनता है और प्लस में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द ओनली रिएक्शन विच शोज द ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर बन रहा है तो दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, इन डैश 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 ऑपरेशन वन और मोर कंपोनेंट ऑफ मिक्सर और सॉलिड लिक्विड और सॉलिड फेज ट्रांसफर इनटू द अनदर लिक्विड, ये तो भाई हम डिस्टिलेशन में करते हैं। क्या होता है यहाँ पे कि डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं कि वाटर से अल्कोहल को अगर सेपरेट करना है हमें या कुछ अदर चीज़ों से लिक्विड को सेपरेट करना है तो डिस्टिलेशन कर लीजिए। पहले क्या होगा, डिस्टिलेशन हाई टेम्परेचर से वहाँ पे वेपराइजेशन बनेगा और देन बाद में कंडेंसेशन होगा, मतलब कोल्ड वाटर से वेपर का कंडेंसेशन होगा और फाइनली वहाँ पे लिक्विड से लिक्विड ही बनेगा। सो दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज अ डिस्टिलेशन। आपने कॉलेज में कॉलेज के लेबोरेटरी में डिस्टिलेशन यूनिट लगाया वहाँ पे आपने शायद देखा भी होगा, ऑपरेट भी किया होगा, तो ये होता है डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 11 का जो मेरे हिसाब से राइट आंसर जा रहा है दैट इज अबाउट द डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, रॉल्स लॉ अप्लाइज टू, लॉ क्या है ये मुझे पता नहीं है, बट इसका जो सही आंसर जो जाएगा दैट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर जो जा 12 का जो राइट आंसर जा रहा है दैट इज अबाउट द आइडियल सोल्यूशन, दैट इज अबाउट द आइडियल सोल्यूशन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अबाउट द आइडियल सोल्यूशन ऑप्शन नंबर बी, आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, चैपेरोन्स आर कंसर्न प्राइमरीली विथ, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं है दोस्तों, हमें क्वेश्चन के आंसर ही बनाने, सॉल्यूशन देना है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि अगले लेक्चर में आपको मिल जाए। सो चैपेरोन्स दीज आर द प्रोटीन विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन फोल्डिंग, तो इसका सही जवाब जो जाएगा दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर जो जा रहा है दैट इज अबाउट द प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर एपिथेलियल सेल लोकेटेड इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड में लोकेटेड एपिथेलियल सेल्स कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे कि डेंड्रेटिक सेल्स आर नॉट द एपिथेलियल सेल, गॉबलेट सेल भी एपिथेलियल सेल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक ही एपिथेलियल सेल है दैट इज अबाउट द पैराइटल सेल जो कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज अबाउट द इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, एपिथेलियल सेल इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट इज अबाउट द पैराइटल सेल। पैराइटल्स कंफ्यूज होने वाले दो ही सेल्स होती है, चिप सेल्स यानी कि पेप्टाइड, ठीक है, पेप्सिनोजन को वगैरह रिलीज करने वाले, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन को रिलीज करने वाले पेप्टिक सेल्स भी आप कह सकते हो, और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करने वाली
जो सेल होती है वहां पे पैराइटल सेल्स होते हैं. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, पैराइटल सेल्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच. करेक्ट मैच आपको आइडेंटिफाई करना है वहां पे. तो मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट मैच होना चाहिए कि हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को जो हाइड्रोलाइज करते हैं वे प्रोटीएज ही होते हैं. वो कौन होते हैं? प्रोटीएज एंजाइम. दीज आर द प्रोटीएज एंजाइम. मिजोजोम गॉल्जी अपैरेटस से नहीं बनते. मिजोजोम बैक्टीरियल सेल में हमें पता है कि सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका ठीक है उससे ही बने हुए थे स्ट्रक्चर. दैट इज अबाउट द मिजोजोम जहाँ हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को मिलता है मिजोजोम के अंदर. फोटो रेस्पिरेशन सीटू साइकिल यानी कि ग्लाइक्सोलेट्स नहीं है. ग्लाइक्सोलेट साइकिल दूसरा हमें देखने को मिलता है जर्मिनेटिंग सीड्स में होता ही है. जर्मिनेटिंग सीड के अंदर हमें देखने को मिलता है, ये होगा नहीं ठीक है. और बायोलीचिंग में बैक्टीरिया का यूज होता है, नॉट यूज बाय एल्गी. सो ये तीनों ऑप्शन चले गए. इसका करेक्ट जो आंसर जा रहा है दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर सेकंड. सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब जा रहा है दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर सेकंड. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट. गलत स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है. अल्ब्यूमिन इज नॉट अ हीमोप्रोटीन. ओके तो यहां पे लास्ट ऑप्शन हमें देखना है. अल्ब्यूमिन हीमोप्रोटीन नहीं है, हीमोग्लोबिन ठीक है. सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये भी सही है. रॉन्ग स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है. आइसिल डिसीज यहाँ पे पेरोक्सिज़ोम से रिलेटेड होता है. इट इज नॉट रिलेटेड विद द माइटोकॉन्ड्रिया. सो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जा रहा है दैट इज अबाउट ऑप्शन नंबर डी. आइसिल डिसीज इंक्लूजन डिपोजिशन वाला जो डिसीज होता है, जो अदर लाइसोजोम या अदर जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं ना उससे रिलेटेड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड नहीं होगा. सो इस क्वेश्चन का जो रॉन्ग स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है ये रहा ये. उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरासिटिक प्रोटोजोन. पैरासिटिक प्रोटोजोन के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ये होता है होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 द जीनस टोरुला इज कॉमन. रॉन्ग स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है, ये याद रखिए रॉन्ग स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 18 का रॉन्ग स्टेटमेंट सही आंसर के ऊपर ही जाएंगे सीधे सीधे. रेंसिडिटी ऑफ द स्टोर्ड फूड इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोटियोलाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नहीं, ये ऑक्सीडेटिव ऑटो ऑक्सीडेशन से हो सकता है. ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही होता है रेंसिडिटी. फूड के अंदर जो रेंसिडिटी देखने को मिलती है ऑटो ऑक्सीडेशन, नॉट इन्वॉल्व बाय द प्रोटियोलाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बाकी के सभी ऑप्शन सही जा रहे सही होंगे ठीक है. ये ऑप्शन गलत है और जो गलत है वही आंसर होगा यहाँ पे. सो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर जा रहा है विलास चौहान. गुड आफ्टरनून विलास. क्वेश्चन नंबर 19 का जो रॉन्ग स्टेटमेंट मुझे जो पता चल गया है वो था ये वाला स्टेटमेंट. ऑप्शन नंबर सी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. एक्रिडाइन डाय ठीक है ऑब्लिगेट पैथोजन लाइक माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. बाकी के सब ऑप्शन करेक्ट जा रहे थे यहाँ पे. गुडाइल टेस्ट ओएनएच एंटीजन साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड के लिए होता है. ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया जिसको ही हम क्या बोलते हैं क्लिप्स लोफेल बैसिलस भी कहते हैं, इसका ही दूसरा नाम है ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया का ही. उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव स्टैंड फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया फाइलम फर्मिक्यूट से ही बिलोंग करता है, ये बात भी सही है इसके बारे में. अगर तीनों ऑप्शन सही है तो रॉन्ग ऑप्शन कौन सा जा रहा है यहाँ पे. ऑप्शन रॉन्ग जो है ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट ये काम नहीं करेगा. क्वेश्चन नंबर 20 अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में पूछा रहा है आपको. क्वेश्चन नंबर 20 अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ऑफ द बैक्टेरियोस्टैटिक. नहीं, ये बैक्टेरियोसाइडल हो सकते हैं, बैक्टेरियोस्टैटिक नहीं होते हैं. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग जा रहा है.
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो जा रहा है दैट इज अबाउट ऑप्शन नंबर सेकंड. कैफेपाइन इज एन एंटीबायोटिक विच एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सेल वॉल सिंथेसिस. सही बात है. प्यूरोमाइसिन एनालॉग होता है अमोनियो सेल टीआरएनए का, वो बात भी सही है. ड्रग रेजिस्टेंस स्टाफिलोकोकस ओरियस इज मोस्ट कॉमनली एक्वायर्ड बाय द ट्रांसडक्शन, ये बात भी सही है. बाकी तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड में थोड़ी सी गलती दिख रही थी, तो इसीलिए मेरे ख्याल से उसका आंसर जो होना चाहिए दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकंड. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. मल्टीपल ऑप्शन पूछ रहे हैं आपको कि कौन सा ट्रू होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन ट्रू होने चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस क्राउन गोल्ड डिसीज मोनोकॉट नहीं, डायकॉट में ये कॉज करता है, डायकॉट ये गलत रहा ना. सो जहां जहां पे एक नंबर है वो तो गलत हो जाएंगे, सो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा. दूसरा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस इंड्यूसेस हेरी रूट डिसीज, ये बात भी सही है. राइजोजिनस हेरी रूट डिसीज कॉज करता है डायकोटिलीडोनस प्लांट के अंदर, ये बात सही है. जहाँ पे ऑप्शन सेकंड है वो सही हो जाएंगे, तो इसमें सेकंड नहीं है तो ये गलत हो जाएंगे. अब बचा बी एंड सी. बी एंड सी के बारे में अब तीसरा ऑप्शन भी हमें देखना पड़ेगा. बोथ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस एंड राइजोजिनस दीज आर द ग्राम नेगेटिव नेचर, ये बात भी सही है. तो ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पे सही हो रहा है. यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी. वर्टिकल जीन ट्रांसफर में काम कर दे नहीं, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द प्राइमर. प्राइमर को करेक्टली डिफाइन कौन कर रहा है यहाँ पे, ऐसा पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22, ओके. सो यहाँ पे मुझे जो ऑप्शन लग रहा था करेक्ट दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर सेकंड, बिकॉज प्राइमर्स आर शॉर्ट सिक्वेंसेस, सही बात है ये, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द न्यूक्लियोटाइड एट द एंड ऑफ द सिक्वेंस विच इज टू बी एम्पलीफाइड. मतलब क्या है कि ये हमारा कोई डीएनए का स्ट्रैंड है, इसके ऊपर हम कोई प्राइमर अगर ऐड कर दे तो प्राइमर कहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम, एट द एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. प्राइमर को हम कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. तो डेफिनेशन के हिसाब से तो यही ऑप्शन सही हो सकता है यहाँ पे, बाकी के ऑप्शन गलत हो सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग. चलिए हमें जो पता है उसको पहले लगा लेंगे कि म्यूरिन बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है. सो फोर का वन के साथ होना चाहिए, फोर वन किस कहां कहां पे हमें देखने को मिल रहा है यहां पे. बाकी के दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए. अब रोडोबैक्टर स्पिरोइड दीज आर द पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, दीज आर द पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया. एक यहाँ दोनों में भी आपको दिखाई देगा. सेकंड क्लेमेडोमोनास, क्लेमेडोमोनास दोनों में भी सेम ऑप्शन है, दीज आर द एल्गी. हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप सेकंड आएगा. फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना हेटरोट्रॉपिक होता है, तो इसके हिसाब से थ्री का सेकंड है या फिर थ्री का फोर है, तो ये गलत हो जाएगा. सो दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर जा रहा है तो ऑप्शन नंबर वन. नेक्स्ट कौन सा सॉल्व किया हमने, 23, ओके. 24, नाउ given below are the statement on the primosome and replicosome that are involved in prokaryotic DNA replication. 24 के बारे में, तो 24 के बारे में all options सही हो जाएंगे यहाँ पे, पूरे के पूरे options सही हो. Primosome helicase plus DNA polymerase third होता है, replicosome primosome plus two copies of DNA polymerase, ये भी सही हो जाएगा. सबके सब option यहाँ पे right हो जाएंगे. Question number 24 के all options are true, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहे हैं हमें, तो करेक्ट ऑप्शन सबके सब हो सकते हैं यहाँ पे. नाउ सेक्शन ए से लास्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ यूकैरियोटिक प्रमोटर. यूकैरियोटिक प्रमोटर के कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए ऐसा पूछा है यहाँ पर. सो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर जो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड. स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट. टिपिकली इट लाइज टूवर्ड द 5 प्राइम रीजन ऑफ द जीन. जनरली 5 प्राइम जो एंड होता है ना उस तरफ कौन होता है, प्रमोटर रीजन होता है. और प्रमोटर का काम क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट वो प्रोवाइड करता है. उसके बाद मेनी यूकैरियोटिक जीन्स हैव कॉन्सर्ट प्रमोटर सीक्वेंस कॉल्ड एज टाटा बॉक्स. ये बात भी सही हो सकती है. फोर्थ ऑप्शन सर्व एज द सीक्वेंस फॉर द ट्रांसक्रिप्शन एपरेटस. ये ट्रांसलेशन के लिए काम नहीं करेगा, इट एक्ट एज द सेट फॉर द ट्रांसलेशन ऐसा बोल रहा है. तो ये ऑप्शन गलत जाएगा यहाँ पर. ऑप्शन अगर थर्ड गलत जा रहा है तो थर्ड के बिना बाकी के जो भी तीन ऑप्शन वो करेक्ट होने चाहिए. तो दीज आर द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ. नाउ अब बात करेंगे हम पार्ट बी के बारे में. पार्ट बी के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. पार्ट बी जनरल क्वेश्चंस है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 26. यूरोटेलिक यूरिकोटेलिक एनिमल्स आर दोज एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. विच आर अमॉन्ग द फॉलोइंग एज अ यूरिकोटेलिक. बर्ड्स दीज आर द यूरिकोटेलिक. बर्ड यूरिकोटेलिक होते हैं दोस्तों, ये बात 11th में ही हमने पढ़ लिया था. बहुत कम अमाउंट में वाटर लगता है और सेमी सॉलिड फॉर्म में यूरिक एसिड को ये क्या करेंगे, रिलीज कर देते हैं. व्हेन डीएनए इज डीनेचर्ड इट बिकम्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड. क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर. उसके बाद 28. हाउ मेनी कायरल आइटम्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज. 4. ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल आइटम होने चाहिए, 4. क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर. ओके 4. वॉट आर द अम्यूनो एसिड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम द ऑक्सैल एसिड. ठीक है, टीसीए साइकिल जब हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अम्यूनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं और ऑक्सैल एसिटिक एसिड जिसको प्रोड्यूस करता है दीज आर द एस्पारजिन मिथ्यूनिन ठीक है थ्रियोनिन और लाइसिन को ये प्रोड्यूस करेगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब जो जा रहा है दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30. डीएनए स्ट्रेच ऑफ लेंथ 25.68 किलो डाल्ट बेस पेयर मेगा बेस पेयर में कन्वर्ट करना है आपको. सिंपल सा कैलकुलेशन है आपके लिए. अगर आप इसको कैलकुलेट कर दोगे 1000 से तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर आएगा 0.02. इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो यार. आई एम सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एक मिनट मुझे देखने दो एक बार. एक मिनट दोस्तों, सही बात है 0.02. ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर सी राइट हो रहा है इस क्वेश्चन के लिए. तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको एक सीधा साधा कैलकुलेशन करना था. केबी को एमबी में कन्वर्ट करना था, केबी को एमबी में कन्वर्ट करना था. क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीव सेल्स. सीव सेल्स फ्लेम में पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में आते हैं. सो दीज आर लोकेटेड इन द फ्लेम एंड फंक्शन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो जा रहा है दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32. ये भी सिंपल सा कैलकुलेशन है. गिवन दैट मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl. मोलिकुलर वेट आपको दिया है NaCl का 58.44 फॉर पर मोल के दिया है. अगर आपको NaCl का 0.3 मोलर का सॉल्यूशन बना है, सो 58.44 फॉर वन मोल, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड फॉर द 0.3 मोल. इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा. 58.44 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 1. वैसे डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं होता है. वहाँ पे जो आंसर जो आएगा क्वेश्चन नंबर 32 का दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर थर्ड. ऑप्शन नंबर थर्ड. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो.
दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। जितने भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं लाइव वीडियो को, तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एजुकेशनल लाइफ के लिए ये मेरा चैनल। साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ करके लाइक भी कर दीजिए। वासा एफरेंशिया कहाँ से अरेज होती है? वासा एफरेंशिया टेस्टिस से अरेज होती है ना भाई, कहाँ से अरेज होगी? टेस्टिस से। एफरेंशिया के बाद होता है वहाँ पे वासा डिफरेंस, हमें पता है वासा एफरेंशिया, देन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का एंड जो होता है ना, टेल ऑफ एपिडर्मिस, तो वासा डिफरेंशिया, और ये जाएगा कहाँ पे? यूरिथ्रा को मिलेगा आगे जाके, सेमाइनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंबल ग्लैंड से वो आगे जाके मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर जो जाएगा वासा एफरेंशिया के बारे में, दैट इज अबाउट द टेस्टिस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ, ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए कौन कौन रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो ट्रांसलेशन के लिए हमें mRNA चाहिए होता है जिसके ऊपर कोडन हो गया, tRNA चाहिए होता है जो अमीनो एसिड को लेके आएगा, राइबोसोम का मशीनरी चाहिए होगा, स्मॉल एंड लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, तीनों भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अगर आप पूछ लेते हो क्या पे। देखिए बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, RNA पॉलीमरेज नहीं लगता है इसलिए ये चला गया, DNA नहीं लगेगा इसलिए RNA पॉलीमरेज भी नहीं लगा, ये चला गया, फ्री न्यूक्लियोटाइड ये भी नहीं लगता है, तो न्यूक्लियोटाइड होनी चाहिए बट इन द फॉर्म ऑफ mRNA के फॉर्म में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही जवाब जो जा रहा है, दैट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर एक फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोजिशन ऑफ प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक माउस राइबोसोम। क्या पूछ रहा है हमें? करेक्ट ऑप्शंस पूछे हैं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बच्चा बच्चा जानना चाहेगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर रहेगा, दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50s एंड 30s होता है इंस्टेड ऑफ, ये 50s होगा, कितना होगा ये 50s, 50s, 40s दिया। यहाँ पे ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ये नहीं, ये स्मॉलर सब यूनिट का पार्ट नहीं होगा, लार्जर का पार्ट होगा, यूकैरियोटिक है, 18s RRNA। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमें मिल रहा है दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद द रेशियो ऑफ SDS टू प्रोटीन, क्वेश्चन नंबर 36, इसको सीधा पता होना चाहिए आपको, 1.4 टू द पर मोल ऑफ प्रोटीन के लिए यूज करते हैं, इतना मोलार इतने प्रोटीन के लिए, 1.4 टू द 1 SDS पेज, सोडियम डोडोसिल सल्फेट का इतना मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है पर मोल ऑफ प्रोटीन, पर मोल ऑफ प्रोटीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, इफेक्टिव कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स आर डिफिकल्ट टू डेवलप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन बिकॉज, क्योंकि फंगस का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है लाइक द यूकैरियोटिक सेल होता है, हमारे जैसे उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जाएगा फंगाई और यूकैरियोटिक सेल, सही बात है, एंड देयर सेलुलर मशीन इज सिमिलर टू द होस्ट, होस्ट के सिमिलर होती है, इसीलिए इसका जो सही आंसर जो जाएगा दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि अगर हम फंगल एंटीबायोटिक बना लेंगे तो हमारे सेल के ऊपर भी वो एंटीबायोटिक अफेक्ट करेगा, इसीलिए उसको ट्रीट करना थोड़ा सा हमें दिक्कत क्रिएट कर सकता है, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, द प्यूरिटी ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम की प्यूरिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? स्पेसिफिक एक्टिविटी नोट करनी होती है, स्पेसिफिक एक्टिविटी। जब मैंने TIFR के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिए, वहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की थी, कि क्लास में भी हमने इस बात को समझाया था कि स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ये हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं प्रोटीन प्योरिफिकेशन के, एंजाइम प्योरिफिकेशन के लिए। टोटल प्रोटीन, टोटल एंजाइम एक्टिविटी, पेरेंट रिकवरी ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल नहीं, परसेंट रिकवरी, इनका यूज नहीं होता है। प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए यानी कि मेजरमेंट मॉनिटर करने के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालना ही जरूरी होता है वहाँ पर। उसके बाद बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21 होता है, कटआउट सिंड्रोम बी के साथ जाएगा क्रोमोजोम नंबर,
13 का होगा क्लीन फिल्टर और एडवर्ड, एडवर्ड होगा इसका। अब जोड़िया लगाओ, क्लीन फिल्टर आपको मिल जाएगा, क्लीन फिल्टर सेक्स क्रोमोसोमल अनप्लॉयडी होता है, मिल गया आपको। सो डाउन सिंड्रोम का जोड़ी किसके साथ लगा रहे हो आप? सी के साथ। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए, राइट। सेकंड का डी के साथ, दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड का, थर्ड पटाऊ सिंड्रोम बी के साथ, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, यहाँ पे ये सही हो रहा है, सही आंसर ये जा रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करेंगे, 40 के बारे में बात करेंगे। अ स्पेशल वॉइस बॉक्स फॉर द बर्ड्स, सायरिंग्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड इज नोन एज अ सायरिंग्स, बर्ड के वॉइस बॉक्स को क्या कहेंगे हम? सायरिंग्स। लैरिंग्स तो हमारा होगा ना, ह्यूमन के लिए होगा या अदर एनिमल के लिए होगा। द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज इंडिकेटेड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 41 का, अ सिंगल वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, सेक्स डिटर्मिनेशन फादर के ऊपर डिपेंड करेगा और उसको भी वाई क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। वाई एक्स के साथ आ गया तो बेबी बॉय होगा, और वाई किसके साथ भी नहीं जाएगा, और मेल का एक्स और फीमेल का एक्स एक दूसरे के मतलब मिल जाते हैं तो वहाँ पे होगा फीमेल चाइल्ड। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायट्री एंटी ऑक्सीडेंट, भाई इस क्वेश्चन में मुझे ही दिक्कत हो रही थी सॉल्व करने में। तो नॉट पूछा रहे यहाँ पे, नॉट, तो इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट है, बट दीज आर द डायट्री, यहाँ इनके जो डाइट से हम इनको डाइट से कंज्यूम कर सकते हैं। अब विटामिन डी को तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि यार ये एंटीऑक्सीडेंट होता है या विटामिन के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है क्वेश्चन नंबर 42 का, मैं तो आंसर यहाँ पे नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे। अगर आपको कुछ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, लैक्टेल्स, लैक्टेल्स दीज आर द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स जो हमारे इंटेस्टाइन में हमें देखने को मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एसोसिएट होते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जाएगा दैट इज अबाउट द लैक्टेल्स आर एसोसिएटेड विद द लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, इफ अ स्ट्रैंड ऑफ हेलिक्स हैज 30% ऑफ एडिनिन, 30% एडिनिन है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होना चाहिए? तो अपोजिट स्ट्रैंड पे 30% कौन होना चाहिए? थायमिन होना चाहिए, ये बात सही है। अपोजिट स्ट्रैंड पे कौन होना चाहिए? 30% थायमिन होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट बेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, ओके। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा हमें, चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करके लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 45, इन अ माइस अ येलो कोट कलर इज ऑलवेज फाउंड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, एज हेट्रोजाइगोसिटी फॉर द अर्ली डिटरमाइनिंग येलो कोट कलर, ओके। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि येलो कोट कलर, येलो कोट कलर हेट्रोजाइगस कैरेक्टर है ऐसा मान के चलते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए हमने लिखा है। अ क्रॉस इज मेड बिटवीन येलो कोट कलर माइस विच हैज इल्डेड, दोनों के बीच में क्रॉस कर लिया है हमने, मतलब क्रॉस हमने ऐसा कर लिया है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसा क्रॉस कर लिया है दोनों के बीच में। तो फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज अबाउट द कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे इसको ऐसा लिखेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों के बीच में हम क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो स्मॉल ए स्मॉल ए अगर आ रहा होगा वहाँ पे, और अगर ये कॉम्बिनेशन आने से वहाँ पे लिथैलिटी आती है, लिथैलिटी यानी कि मतलब डेथ होता है वहाँ पे, क्या होगा? ऑर्गेनिज्म का डेथ होगा। तो बचेंगे कितने? तीन तो बचेंगे वहाँ पे, पीछे बचेंगे कितने? तीन। तो पीछे जो बचे हैं तो उसमें से दो हो गए हेट्रोजाइगस और एक होगा नॉर्मल, तो यही रेशियो दिया है। कोट कलर माइस 2/3 प्रोजेनी आर येलो कोट कलर, सही बात है क्योंकि
कैपिटल ए स्मॉल ए किसके लिए था, येलो कोट कलर, यहाँ पे दो आएंगे, दो आएंगे येलो कोट कलर के लिए, सही बात है, और एक आएगा नॉर्मल, इसके हिसाब से तो ये जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो लिथालिटी है तो ये रिसेसिव लिथल अलील से होता है यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे डेथ हो रहा है, यहाँ पे जिसका डेथ हो रहा है उसका जीनोटाइपिक कॉन्स्टिट्यूशन तो देखिए ना, स्मॉल ए वाला डेथ हो रहा है, तो स्मॉल ए क्या है, रिसेसिव है ना, स्मॉल ए रिसेसिव, सो रिसेसिव लिथलिटी से ये हो सकता है ऐसा। यहाँ पे 1/3 प्रोजेनी, मतलब कैपिटल ए इन तीन में से, ये तो चला गया, स्मॉल ए तो चला गया, अब इसके बारे में तो डिस्कस करने की कोई बात ही नहीं होगी, वो तो डेथ हो गया, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेथ होता है, तो इसमें से ये नॉर्मल होगा और बाकी के जो दो हो गए तो हो गए हेटरोजाइगस हो गए येलो कोट कलर के लिए। जो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हमने जब सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है अबाउट द आंसर, दैट इज अबाउट द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करना है रामचंद्रन प्लॉट, जिसमें हम क्या करते हैं, टॉर्शन एंगल के बारे में पढ़ते हैं उनको, टॉर्शन एंगल के बारे में, प्रोटीन सिक्वेंसिंग एडमंड डिग्रेडेशन प्रोसेस से होती है, उसके बाद डायलिसिस प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, सही बात है, एंजाइम के लिए क्या लगता है, सबस्ट्रेट लगते हैं, ये बात इसके लिए, राइबोस फॉस्फेट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में ये काम करेगा, तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 46 है उसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तो देखिए फर्स्ट का 3 के साथ, सही बात है, सेकंड का 4 के साथ, सही बात है, डायलिसिस 3 का 1 के साथ, सही बात है, एंजाइम 4, सबस्ट्रेट, सही बात है, ये भी सही बात, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47, द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लैक्टोज ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड, नॉन कार्बोहाइड्रेट से अगर कार्बोहाइड्रेट हम बनाते तो दैट इज अबाउट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन, दैट इज अबाउट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये रहा कार्बोहाइड्रेट एंड दीज आर द नॉन कार्बोहाइड्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट से अगर हम कार्बोहाइड्रेट को फॉर्मेशन करेंगे दैट इज अबाउट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, लिपोलाइसिस लिपिड का ब्रेकडाउन, पर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग पूछा है। नाउ साइक्लोस्टोमेटा, दीज आर द वर्टिब्रेट, साइक्लोस्टोमेटा हमें पता है कि दीज आर द जॉलेस वर्टिब्रेट होते हैं, फिशेस जॉलेस, तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। एंटीवायरल ड्रग विडाराबाइन, ये डीएनए सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है, क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर जाएगा, विच इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ वायरल डीएनए, सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जाएगा दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, फाइब्रोमो यूरासिल थायमिन का बेस एनालॉग होता है, किसका बेस एनालॉग होगा, थायमिन का बेस एनालॉग होगा, इट इज द बेस एनालॉग फॉर थायमिन, प्रोफ्लाविन इंटरकैलेटिंग एजेंट होता है दोस्तों, ये इंटरकैलेटिंग एजेंट लाइक इथिडियम ब्रोमाइड, 2-अमीनोप्यूरिन एडिनिन का बेस एनालॉग होता है, कारण का एडिनिन भी प्यूरिन होता है ना, 2-अमीनोप्यूरिन, इथिल इथेन सल्फोनेट सेकंड, प्यूरिन रिंग को ये रिमूव करेगा, और नाइट्रस एसिड साइटोसिन को यूरासिल में और एडिनिन को हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट कराएगा, ये नाइट्रस एसिड, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 राइट जा रहेगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 51, ए एंड बी जीन्स आर वेरी टाइटली लिंक्ड, नो क्रॉसिंग ऑकर्स बिटवीन दोज टू लोसा, ड्रोसोफिला फ्लाय, ओके, टेस्ट क्रॉस अगर करते हैं इनके बीच में, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेनी विल बी
ओके इसका जो प्रोपोर्शन आएगा दैट इज अबाउट द 25%, दैट इज अबाउट द 25%. अगर हम इसका कैलकुलेशन कर दें तो हमें पता चलेगा कि इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा 25% आएगा. कैसे, अगर देखना है तो देख लीजिए. यहाँ पे पहले हमें देखने दीजिए कि क्रॉस किन के बीच में. सो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी के बीच में क्रॉस है. इनके गैमेट अगर हम पता करते तो हमें पता चलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इनके गैमेट पहले निकालने होंगे हमें. कैपिटल ए बी स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए बी, इसका क्रॉस इसके साथ हो जाएगा क्योंकि इसके गैमेट तो सेम आएंगे स्मॉल ए बी. जो पहला कॉम्बिनेशन जो आएगा यहाँ पे इन दोनों के बीच वाला पहला कॉम्बिनेशन इसके साथ, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी. दूसरा कॉम्बिनेशन इसका इसके साथ, स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी. तीसरा कॉम्बिनेशन इसके साथ, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी. और चौथा कॉम्बिनेशन इसके साथ, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी. और हमें पूछा क्या है यहाँ पे, इसका प्रोबेबल रेट पूछा है. स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे चार में से एक ही मिल रहा है. अगर 4/1/4 होता है तो वहाँ पे परसेंटेज क्या होगा, 25%. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो जा रहा है दैट इज अबाउट 25%. फिर से देख लीजिए कि कैसे सॉल्व किया हमने. कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको ये दिया है और ये भी दिया है, दोनों को लिया है हमने पेरेंट को. इसके गैमेट बना दिए, इसके गैमेट तो सेम आएंगे, इसके गैमेट डिफरेंट चार आएंगे. इन गैमेट गैमेट का कॉम्बिनेशन बनाया तो चार डिफरेंट कॉम्बिनेशन, उसमें से इसका नंबर पूछा है आपको तो होगा 1/4. नाउ क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट रिजल्ट इन हिस्टामाइन रिलीज. हिस्टामाइन एलर्जिक रिस्पॉन्स में रिलीज होता है और एलर्जिक रिस्पॉन्स में रिलीज होने वाली जो एंटीबॉडी होती है दैट इज अबाउट द इम्यूनोग्लोबुलिन ई. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो जाएगा दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, आइडेंटिफाई द टारगेट सेल रिसेप्टर फॉर द कोलेरा टॉक्सिन. होते जीएमओन गैंग्लियोसाइड होता है, तो वो होते जीएमओन गैंग्लियोसाइड, ये पता होना चाहिए. सो इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा, कोलेरा टॉक्सिन के लिए जो रिसेप्टर होते हैं ना, तो GM1 गैंग्लियोसाइड्स. ओके क्वेश्चन नंबर 54, हायर प्लांट्स आर अनेबल टू फिक्स डाइनाइट्रोजन बिकॉज डाइनाइट्रोजन एंजाइम कॉम्प्लेक्स डिफेक्टिव होगा जीन के अंदर, डू नॉट एनकोड फॉर डाइनाइट्रोजन एंजाइम कॉम्प्लेक्स. अगर ये अगर होता तो वहां पे नाइट्रोजन फिक्स करा लेते, पर ये नहीं है तो वो नाइट्रोजन फिक्स खुद से नहीं करा सकते, बैक्टीरिया का सहारा लेना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन अ बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम डज नॉट परमिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ओके सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई भी ट्रांसफर वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिस्टम कौन सी होगी, क्लोज सिस्टम होती है ना, हम सबको पता है यार, दिस इज अबाउट द क्लोज सिस्टम. बारबरा मैक्लिंटॉक, क्वेश्चन नंबर 56, फर्स्ट डिस्कवर द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इन जियामेज. इनका जो एक्सपेरिमेंट था जियामेज के ऊपर था, जियामेज, नोबेल लॉरेट है ये, याद रखिए. ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, जंपिंग जीन्स, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, दिस आर नथिंग बट द जंपिंग जीन्स. उनके लिए एक्सपेरिमेंट कहाँ पे कर दिया था, जियामेज के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 57, द एंजाइम फ्यूमारेट हाइड्रेटेज इज, लाइजेस से बिलोंग करेगा ये. ये कहाँ से बिलोंग करेगा, लाइजेस से ये बिलोंग करेगा. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर 58, द मैकेनिज्म बाय विच रेजिस्टेंस टू विरुलेंट स्टेन, क्रॉस प्रोटेक्शन. इसको भी क्या कहेंगे हम, क्रॉस प्रोटेक्शन, इट इज नोन एज क्रॉस प्रोटेक्शन. तो प्लांट को क्या कर लेते हैं, बिफोर द एक्चुअल वायरस इन्फेक्ट करने से पहले उसको कुछ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस से इन्फेक्ट कराते, दैट इज नोन एज अ क्रॉस प्रोटेक्शन, दैट इज नोन एज अ क्रॉस प्रोटेक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 59 में, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए. मेरे हिसाब से ऑल प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स आर द कारल एक्सेप्ट ग्लाइसिन. ठीक है, ग्लाइसिन
अकायरल होता है, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 60, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पोजेस डेंजरस टू द नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन, के लिए बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। हमें इन्वायरमेंट में पता होना चाहिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज में ओजोन के लिए सीएफसी बहुत डेंजरस हो सकता है, ब्रेक डाउन करेगा। सम स्टीरियोइसोमर्स आर मिरर इमेज, अगर मिरर इमेज है तो हमें इनांसोमर्स कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, यूजुअली शुगर एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच होता है, सो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, इज अ टाइप ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज अ टाइप ऑफ ए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, इफ द एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ वन अमीनो एसिड इज 110 डाल्टन, द मोलिकुलर वेट ऑफ पेप्टाइड 10 अमीनो एसिड इज, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि हमें यहाँ पे एक बात नहीं दिया है, प्रोटीन लीनियर है या सर्कुलर है, इसके बारे में हमें बताया नहीं है, प्रोटीन लीनियर है या सर्कुलर, तो इस क्वेश्चन के दो आंसर बन सकते हैं। अगर नॉर्मल वेट 110 है उसका, तो टोटल अमीनो एसिड के साथ अगर इसका मल्टीप्लीकेशन कर दे, 110 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो आएगा हमारे पास 1100, तो ये होगा वेट, तो ऑप्शन दिख रहा है, बट ऐसे नहीं होगा ये कि कुछ अमाउंट यहाँ पे वाटर का लॉस होता है, तो वाटर का मोलिकुलर वेट होता है 18, और अगर प्रोटीन लीनियर है तो 9 वाटर मोलिकुल रिलीज हो गए, और अगर सर्कुलर है तो वहाँ पे कितने वाटर मोलिकुल रिलीज हो गए, 10, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट आप कर लेते हो तो आएगा ये ऑप्शन। अब तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, बट मैंने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट कर रखा था, 63 का ऑप्शन मैंने आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड 938। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, बट इस क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, दोनों भी आंसर हो सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन में दिया नहीं है लीनियर या सर्कुलर है, तो दिक्कत वाला क्वेश्चन हो सकता है। नाउ द पेप्टाइड एलेनिन अर्जिनिन ग्लूटामाइन मिथ्यूनिन, 64 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, थ्रियोनिन ट्रिप्सिन लाइसिन वैलिन व्हाट डाइजेस्टेड विद द साइनोजन ब्रोमाइड, साइनोजन ब्रोमाइड से अगर हम इसको डाइजेस्ट करते इस पेप्टाइड को, तो हमें कौन से मतलब फ्रैगमेंट मिल सकते हैं। देखिए साइनोजन ब्रोमाइड का जो टारगेट अमीनो एसिड होता है, टारगेट अमीनो एसिड जो होता है मिथ्यूनिन होता है, और मिथ्यूनिन के कार्बोक्सिलिक एंड पे ये कट करेगा, यहाँ से ये कट करेगा, तो वहाँ पे दो आपको पेप्टाइड देखने को मिलेंगे, एक पेप्टाइड कंटेन है इतने अमीनो एसिड और दूसरे में इतने हो गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा उसके लिए, ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, अ सॉल्यूशन हैज पीएच 3.5, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होगा पीएच प्लस पीओएच, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, पीएच पता है हमें कितना दिया है हमें 3.5, पीओएच हमें निकालना है, तो पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस 3.5, तो ये आएगा 10.5। तो देख लीजिए एक बार 10.5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एंड चूज द करेक्ट आंसर, द फ्लाइज विद द सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट X0 द टू सेट ऑफ ऑटोजोम्स, यहाँ पे जब भी सेक्स डिटर्मिनेशन करना होता है ड्रोसोफिला के अंदर, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑटोजोम से इसको डिवाइड करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमें पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 का, तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट जो ऑप्शन जो जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड।
ऑप्शन नंबर सेकंड। क्यों? देखिए यहाँ पे द फ्लाइज विद ऑप्शन नंबर फोर्थ को पढ़ लेंगे। यहाँ पे द फ्लाइज विद सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट विद एक्स एक्स एंड ट्रिपल ए, ये क्या होगा 2/3 पॉइंट सिक्स के तकरीबन वैल्यू आएगा, तो वो इंटरसेक्स हो जाएगा। इंटरसेक्स, ये बात सही है, फोर्थ वाला तो सही है। द फ्लाइज विथ ऑप्शन नंबर तीन में द फ्लाइज विद सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट विद एक्स वाई ऑटोजोम, मतलब 1/2 अगर करते हैं तो फर्टाइल मेल आएगा, 0.5 वैल्यू आएगा यहाँ पे। वो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा देखिए, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने एक है और नंबर ऑफ ऑटोजोम कितने दो है, तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.5 वाला नॉर्मल मेल होता है, फर्टाइल मेल होगा, ये बात भी सही है। तो अगर ये दो सही हो रहे चारों, तीन और चार, तो इसके साथ जो आएगा तो फर्स्ट ऑप्शन आ सकता है ऊपर वाला। क्वेश्चन नंबर 67, हमें कॉलम ए के साथ कॉलम बी को मतलब मैच करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि 67 क्वेश्चन में साइकॉन का किसके साथ जोड़ी होगा। साइकॉन इज बिलोंग्स टू द पोरीफेरन, इसका फाइलम जो होता है पोरीफेरा। ऑरेलिया निडारिया से बिलोंग करेगा ये। बायोल्यूमिनेसेंस टिनोफोरा में देखने को मिलेगा, टिनोफोरा बायोल्यूमिनेंस। और ऑक्टोपस मोलूस से बिलोंग करेगा ये। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर आएगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, अ डिक्रीज इन 2,4-D विल कॉजेस, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला था मेरे लिए, तो मैं इसको अनसॉल्व रखता हूँ क्योंकि गलत आंसर देने में कोई मज़ा नहीं है दोस्तों। इसको थोड़ा सा अनसॉल्व क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि 2,4-D इज कॉल्ड एज एन सिंथेटिक ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन कर्वेचर में काम करता है, और 2,4-D का अगर कॉन्सेंट्रेशन हम डिक्रीज करते हैं तो ये कर्वेचर को डिक्रीज। तो अब तक के लिए मतलब इसको आंसर मान सकते हो आप, पर ये कन्फर्म नहीं है। थोड़ा सा मैंने नॉलेज अप्लाई किया उसके आधार पे ये आंसर हो सकता है, बट कन्फर्म मत कीजिए दोस्तों। द इंसेक्टिसाइड गैमेक्सेन, गैमेक्सेन कौन होता है? 69 बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। कौन होता है ये? बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। गैमेक्सेन इज अ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। उसके बाद 70, क्वेश्चन नंबर 70, द एसोसिएशन बिटवीन अफिड्स म्यूचुअलिज्म, एक किसका एग्जाम्पल है? म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल होगा दोस्तों, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। गामा प्रोटियोबैक्टीरियम बक्टेरिया अफिडिकोला एंड अफिड्स दोनों के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है डेट इज ऑफ द म्यूचुअलिज्म। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉलोड बाई सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। वॉट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, स्टोर करना बाइल साल्ट को, यानी कि बाइल को स्टोर करना, ये इसका फंक्शन होगा। सो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, 72 का आंसर डी ऑप्शन। उसके बाद बिडल एंड टॉटम न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट था, बिडल एंड टॉटम। बिडल एंड टॉटम वेर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द फिजियोलॉजी ऑफ और मेडिसिन इन द ईयर 1958 फॉर द डिमोन्स्ट्रेटिंग दैट द बायोकेमिकल रिएक्शन वेर कंट्रोल्ड बाय जीन। बायोकेमिकल रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है, एंड दैट ऑफ ईच ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथिस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, हर एक जीन स्पेसिफिक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, ऐसे भी बोलता है। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है बिडल एंड टॉटम का, जिसके ऊपर किया था ऑक्सोट्रोपिक म्यूटेंट ऑफ न्यूरोस्पोरा क्रासा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ इन प्रोटीन्स एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड, कल के वीडियो में हमने पढ़ा है TFR का 2018 का पेपर एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, वहां पे हमने पढ़ा है कि एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड इज अटैच्ड टू द प्रोटीन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू द अमीनो एसिड एस्पारजिन, टू द अमीनो एसिड एस्पारजिन, अमीनो एसिड एस्पारजिन को ये अटैच होंगे।
अमाइनो एसिड एस्पारजिन को ये अटैच होगी उसके आर साइड चेन में एनएच2 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम कोएगुलेज। कोएगुलेज एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप पढ़ सकते हो इसको, तो स्टैफलोकोकस ओरियस इसको प्रोड्यूस करता है। स्टैफलोकोकस के स्पेसिस उसमें भी स्टैफलोकोकस ओरियस इसको प्रोड्यूस करेगा, किसको? एंजाइम कोएगुलेज, जो फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन फाइब्रिन में कराएगा प्लाज्मा के अंदर, और वहां पे कोएगुलेशन का पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आईयूपीएसी नेम ऑफ मिथिल साइनाइड, दैट इज द मिथाइल एन ब्यूटिल अमाइन होता है। मिथाइल एन ब्यूटिल अमीन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ मिथिल साइनाइड, मिथिल साइनाइड का आईयूपीएसी नेम होगा। क्वेश्चन नंबर 77, द स्टेज ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोआ ट्रोपोजॉइट्स जो फीडिंग एंड मल्टीप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ट्रोपोजॉइट स्टेज में ये फीड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। उसके बाद एन एंटीबॉडी फैब फ्रेगमेंट पेपिन से प्रोड्यूस होता है, पेप्सिन से नहीं, पेप्सिन से प्रोड्यूस नहीं होगा। सो इट कैन बाइंड विद द एंटीजन। फैब फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग बोलते हैं उसको, उसे हम क्या कहेंगे? फैब फ्रेगमेंट। लाइट चेन एंड हेवी चेन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि लैक ऑफ, लैक बोल रहे हैं, नहीं यहाँ पे होता है, तो इसके लिए ये गलत जा रहा है। फैब फ्रेगमेंट, ईच साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस वन मॉलिक्यूल ऑफ एपीडीएच2, वन मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम है। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 80, द मैन विद हेटरोजाइगस ब्लड ग्रुप ए, मैन हेटरोजाइगस ब्लड ग्रुप ए A0, उसका शादी हो गया किसके साथ? फीमेल विद उसका बीवी IA IB वाला, और क्वेश्चन पूछा है कि किस ब्लड टाइप का चिल्ड्रन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, नहीं ओ का प्रोड्यूस नहीं होगा दोस्तों, बाकी सब आएंगे ओ का प्रोड्यूस नहीं होगा। कैसे? क्रॉस करके देख लो आप, IA IO IA IB, इनके ब्रिज अगर क्रॉस कर लेते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे AA आएगा, A0 आएगा, AB आ सकता है, और यहाँ पे B0। तो ये ब्लड ग्रुप ए AB एंड B, ओ ब्लड का कोई आया ही नहीं यहाँ पे। सो आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 81, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोटीनोजेनिक टॉक्सिक अमीनो एसिड। या नॉन प्रोटीनोजेनिक टॉक्सिक अमीनो एसिड क्या नाम है? मैंने पढ़ लिया था कभी, तो इसके हिसाब से तो आंसर यही होगा। क्या नाम है? टॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक भी काम करता है, नॉन प्रोटियोजेनिक मतलब ये अमीनो एसिड है बट प्रोटीन सिंथेसिस में काम नहीं करेगा, बट ये टॉक्सिन होता है बॉडी के लिए। उसके बाद अ क्रॉस इज कैरिड आउट बिटवीन, बड़ा सा क्रॉस आपको दिया है यहाँ पे, मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा 32, क्योंकि यहाँ पे 2 to the power n फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोजेनी कैलकुलेट करने के लिए, प्रोजेनी के जीनोटाइप कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा 2 to the power n, और n में आएगा नंबर ऑफ पेयर ऑफ जीन, मतलब यहाँ पे जो जीनोटाइप होते हैं 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 अगर कर लेते तो कितना आएगा? 4 4 2 8 16 और आएगा 32। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जा रहा है मेरे हिसाब से आएगा 32, बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। वेन बेंजीन रिएक्ट विद द ओजोन, सही बात है, ट्राई ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा इंटरमीडिएट विच जिंक वाटर के साथ अगर यील्ड करते तो कौन फॉर्म होगा वहाँ पे? ग्लायोक्सैल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लायोक्सैल। क्वेश्चन नंबर 83 का फाइनल आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद व्हेन अ लीफ इज ड्रॉप, तो बकेट ऑफ वाटर इट फ्लोट ओवर द वाटर, कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे होता है? हाइड्रोफोबिक एक्टिविटी, वाटर का
हाइड्रोफोबिक एक्टिविटी से क्या होगा वहां पर? मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए हाइड्रोफोबिक एक्टिविटी, तो इसलिए वो ड्रॉप मतलब लीफ अगर पानी के ऊपर ड्रॉप ड्रॉप होता है तो वो फ्लोट करेगा ड्यू टू द सरफेस टेंशन भी होता है यार, एज ए वाटर का स्ट्रॉन्ग सरफेस टेंशन होता है यार। इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सरफेस टेंशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे इंसेक्ट भी वहाँ पे वाटर के ऊपर तैर सकते हैं, यानी कि भाग सकते हैं उसके ऊपर से। तो 84 का आंसर फर्स्ट, फिर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के लिए कौन से स्टेटमेंट सही होने चाहिए? मेरे हिसाब से स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 के जो स्टेटमेंट है तो ये तीनों 85 डी। स्ट्रक्चरल जीन हमने जनरली कहाँ पे पढ़ लेते हैं? स्ट्रक्चरल जीन हम लैक्टोज ओपेरॉन के अंदर, तो दे एनकोड प्रोटीन इंटरेक्ट विद द डीएनए सीक्वेंस, सही बात है ये भी हमारा। दे कंटेन द सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग द अमीनो एसिड प्रोटीन, सही बात है, और किसी भी आरएनए को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तीनों भी ऑप्शन राइट जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हार्मोन पिट्यूटरी पोस्टीरियर लोब्स है? वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन ADH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 का थोड़ा सा मैं जवाब अभी नहीं दूंगा, इसको अनसॉल्व में रखूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें 87। नाउ बात करेंगे 88 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ DNA विल माइग्रेट फास्टर? तो जिसका सुपर कॉइलिंग ज़्यादा होगा तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटा होगा, जितना छोटा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा स्पीड होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा दैट इज अबाउट द सेम सुपर कॉइल सर्कुलर DNA, सुपर कॉइल सर्कुलर DNA। ये बोल रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो और इनमें से सबसे ज़्यादा स्पीड किसका रहेगा? सर्कुलर DNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA और सुपर कॉइल DNA। सुपर कॉइल DNA साइज में छोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा तो स्पीड ज़्यादा हो सकता है वहाँ पे। सो 88 का आंसर क्या होगा वहाँ से? ऑप्शन नंबर डी। काइनेज फॉस्फेट के लिए काम करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। काइनेज आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। 90 क्वेश्चन नंबर 90, इन बायोकेमिकल रिएक्शन है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर रिड्यूस होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस रेट्रो वायरस से बिलोंग करेगा, HIV वायरस, बाकी कोई बात नहीं है वहां पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर ऑफ हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, क्यूटीन होता है, ये कौन होगा? क्यूटीन। सो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर जो आएगा क्यूटीन। द फोविया ऑफ आई, फोविया ऑफ आई क्लियर विजन एंड हाइस्ट एक्विटी के लिए होता है, क्लियर विजन एंड हाइस्ट एक्विटी, बिकॉज वहाँ पे रॉड नहीं कौन सेल सबसे ज़्यादा होते हैं, बाकी के ऑप्शन गलत जाएंगे। 94 एज वेल एज ए स्मॉल एक्वेटिक मॉस करेक्ट है, एंड दैट हार्वेस्ट एनाबिनाइन पॉकेट, सही बात है, ये ऑप्शन सही है, एज वेल एज प्रूफुल, ये बात भी सही है। सो स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जाएगा दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर सी। 95 थ्री डायमेंशनल पिक्चर कौन देगा हमें? 3D पिक्चर यहाँ पे कौन देगा? 3D पिक्चर देने वाला कौन होता है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, नहीं ये तो 2D देगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सीधा इमेज दिखाएगा, इमेज दिखाने में भी दिक्कत होती है, जब तक आप लाइट को एडजस्ट नहीं करते हो ना, अपने कॉलेज में आपने देखा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप 95% को बच्चों तो कुछ दिखता ही नहीं है, डस्ट दिखाई देता है उसको, वो बैक्टीरिया मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो चला गया, पहला भी चला गया,
स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 3D के लिए होता है, ये किसके लिए होगा 3D के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो जा रहा है दैट इज ऑफ द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सिंपल माइक्रोस्कोप, बातें छोड़ दीजिए इसका तो। ओके, अब क्वेश्चन पूछा है COVID-19 के बारे में। रिसेंटली WHO हैज क्लियर दैट COVID-19 एज अ ग्लोबल पैंडेमिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन करेक्ट रिगार्डिंग द COVID-19। बायोलॉजी से बिलोंग करते हो तो इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन होता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल पॉजिटिव सेंस का सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, किसका COVID-19 का। इतना बड़ा साइज नहीं होता भाई, 30 MB तक नहीं होगा, तो बाकी के ऑप्शन गलत जाएंगे। कार्निवोरस मीट कंज्यूम करने वाले एनिमल को वायरस थोड़ी ना एनिमल को कंज्यूम करेगा यार, इसके तो बात छोड़ ही दीजिए। द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM observed in fat occurred due to the simultaneous deficiency of protein as well as low energy calorie. Okay, तो ये marasmus disease होता है, कौन सा disease होगा ये marasmus, starvation से produce होना। Question number 98, if the DNA fragment is digested by the restriction endonuclease in foresight, देखिए यहाँ पे भी एक दिक्कत है दोस्तों, पता नहीं है हमें DNA circular है या linear है, ये बात नहीं दी है। देखिए यहाँ पे दो दिक्कतें हो सकती हैं, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर लीनियर DNA और कितने कट बोल दिया, यहाँ पे 4 कट बोल दिया, अगर 4 कट होते यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तो फ्रैगमेंट कितने आएंगे, 5 फ्रैगमेंट आएंगे, एक फ्रैगमेंट दूसरा तीसरा चौथा और एक पांचवा फ्रैगमेंट होगा। और सर्कुलर DNA है, सर्कुलर DNA यहाँ से 1 कट होगा, दूसरा तीसरा और चौथा, तो फ्रैगमेंट कितने आएंगे, 4 ही फ्रैगमेंट आएंगे, 1, 2, 3 and 4 फ्रैगमेंट। ओके, इस क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, हमें पता नहीं है कि हमें लीनियर एंड सर्कुलर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर। और ये बोल रहा है कि 3 फ्रैगमेंट इक्वल लेंथ के, और अगर उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो कितने बैंड आएंगे। अब डिपेंड करता है आप इसके बारे में पढ़ रहे हो या इसके बारे में पढ़ रहे हो। सर्कुलर के बारे में पढ़ रहे हो तो दो टाइप के आएंगे, तो इसके ये आंसर हो सकता है, क्योंकि 3 फ्रैगमेंट विद द सेम लेंथ शोइंग द सेम बैंड, और एक अलग होगा तो 2 बैंड आएंगे। इसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो 1, 2, 3 फ्रैगमेंट सेम लेंथ के तो 1 बैंड दिखाएंगे, और रिमेनिंग दो अलग अलग बैंड दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे 3 बैंड आने की भी संभावना हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग जा रहा है, क्वेश्चन पूछने में ही थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप यूनिवर्सिटी को भेज सकते हो, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है यहाँ पे। तो दोनों भी आंसर आ सकते हो, आप अगर सर्कुलर DNA मानेंगे तो एक आंसर और लीनियर मानेंगे तो अलग सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रॉबर्ट हॉर्मैन कोश के फाइंडिंग के बारे में। तो कोश के फाइंडिंग के बारे में हम बात करेंगे, ही हैज इस्टेब्लिश द कॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिसीज, सही बात है, ये रॉन्ग नहीं है, ये सही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड इन द प्योर कल्चर ऑफ द डिसीज, और ये बात भी सही है। When reintroducing healthy organism causes the disease and the same microorganism, नहीं ये बात गलत हो रही है यहाँ पर, ये बात है, बट जो गलत है वही क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि हमें पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो आंसर आ रहा है दैट इज अबाउट द दिस ऑप्शन, देख लीजिएगा ध्यान से। नाउ इट इज अबाउट द लास्ट क्वेश्चन, 100th question, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मेम्ब्रेन सिस्टम, बहुत बच्चे ने यहाँ पे गड़बड़ की होगी, ऑड फाइंड आउट, बहुत ज्यादा बच्चे ने वैक्यूल को ऑड फाइंड आउट कर दिया होगा, बट यहाँ पे जो ऑड फाइंड होता है तो दैट इज अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। मेरे हिसाब से क्लोरोप्लास्ट ऑड फाइंड होगा, क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेल विच हैव द जीनोम, खुद का जीनोम होगा, इनके अंदर नहीं होगा तो ऑड हो जाएगा। दूसरी बात ये भी हो सकती है डबल मेम्ब्रेन हो सकता है, डबल मेम्ब्रेन, बाकी के सिंगल मेम्ब्रेन है तीनों भी, तो यहाँ पे और जो मिल रहा है हमें दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसी के साथ हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया, 1-2 क्वेश्चन में हमने अनसॉल्व रखे हैं, कुछ में थोड़े से डाउट थे हमारे, और कुछ क्वेश्चंस का हमें मतलब एक क्वेश्चन का हमें तो आंसर ही नहीं आया तो उनको हमने छोड़ दिया। ऐसे कुल मिला के 4 या 5 क्वेश्चंस हो गए टोटल आउट ऑफ 100 में से, जिसके हमने आंसर कंफर्म नहीं दिया है। तो आप 95 क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिएगा,
मोस्ट ऑफ प्रोबेबल करेक्ट आने की संभावना है, फिर भी आप खुद पे ज़्यादा भरोसा करें, स्टडी करें थोड़ा सा, क्रॉस चेक कर लें और क्वेश्चन के सही आंसर फाइंड आउट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। ऐसे ही आगे जब हम ऑनलाइन आएंगे तब हम यही इच्छा रखते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़े। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ यहाँ पे रुकते हैं। जय हिंद दोस्तों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम एंड योर रिजल्ट।